बच्चों आज हम हिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो प्रिंट कल्चर है ना, छपाई छपी हुई या जो मुद्रित होती है उसकी सामग्री के बगैर हमारी दुनिया है ना, उसकी कल्पना कितना मुश्किल है। हम अपने चारों तरफ कोई भी चीज़ देखते हैं, जहाँ भी नज़र दौड़ाते हैं वो वहाँ पर हमें कोई ना कोई चीज़ छपी हुई दिखाई देती है, जैसे किताबें, पत्रिकाएं है ना, पेपर्स, न्यूज़पेपर्स है ना, तस्वीरें, ये सब जो है कुछ भी हम अपनी कुछ भी आसपास हम चीज़ देखते हैं वो सब कैसी होती हैं, छपी हुई होती हैं है ना। सड़क के किनारे विज्ञापन देखते हैं, सिनेमा के पोस्टर्स देखते हैं, ये सब प्रिंट आउट होती है, प्रिंट छपी हुई होती हैं। इस छपा हुआ जो लिटरेचर है ना, पेंटिंग्स देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और जो दुनिया में चल रहे जो भी विवाद है उसका जायज़ा लेते हैं। हम जो है प्रिंट दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं। ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि छपाई जो छपाई होती है, प्रिंट जो होता है, पहले भी एक दुनिया थी, उसके पहले भी जब छपाई शुरू हुई उसके पहले भी एक दुनिया थी, ठीक है। शायद हम महसूस करते हैं कि जो प्रिंट है उसका एक अपना इतिहास है, और एक इतिहास ने हमारे ज़माने को आकार दिया। यह इतिहास क्या है, हम इस लेसन में इसको पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जो प्रिंट है ना, जो प्रिंट का इतिहास है उसको देखेंगे, कैसे यह जो है ईस्ट एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। इस प्रिंट कल्चर टेक्निक के जो प्रचार है, प्रभाव है, वो हमारे जो हमारा सोशल जीवन है ना, सोशल लाइफ में आए बदलाव, हमारे सोशल लाइफ में जो बदलाव आए उससे जो जोड़कर हम इस लेसन में इस पार्ट को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट फ्रॉम, है ना। तो ये जो है प्रिंट आने के पहले जो पुस्तक थी वो निर्माण जो है अखलाक ए नसीरी 1595 से भारत में एक जो है वो रॉयल वर्कशॉप था। भारत में छपाई जो प्रिंट था उसके आने से काफ़ी पहले है ना, और यहाँ पर पाठ को पहले बोलकर लिखा जा रहा है, फिर तस्वीर बनाई जा रही है ना। जो बुक निर्माण में जो सुलेखन और जो चित्रकारी का बहुत महत्व है, जो प्रिंट होती है उसके उस प्रिंट खाना जो आता है, प्रिंट जहाँ पे फैक्ट्रीज होती हैं उसके आने के बाद इन कलाओं का क्या हुआ, यह सोचने लायक है, इसमें ये चीज़ लिखी हुई है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, सबसे जो पहली बुक थी प्रिंटेड है ना, जो प्रिंट था उसकी सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी थी वो चीन में, जापान में और कोरिया में विकसित हुई, डेवलप हुई है ना। दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड पेंटिंग, ये क्या थी, एक हाथ की ये जो छपाई थी वो जो प्रिंट थी वो हाथ से होती थी, ठीक है। करीबन 594 ईस्वी में चीन ने शाही लगे एक लकड़ी का बॉक्स या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। कहाँ पर, ये सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में स्टार्ट हुई थी, और चीन में है ना, 594 में चीन में शाही लगे काट काट मतलब होता है एक लकड़ी का टुकड़ा है ना, उस पर ब्लॉक्स या तख्ती पर कागज़ को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। क्योंकि पतले और छेद वाले कागज़ के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए जो चीनी किताब थी जिसका नाम था एकार्डियन शैली में किताबों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी, ठीक है। ये कहाँ पे शुरू हुई थी, ये चीन में बननी शुरू हुई थी। किताबों का जो लेखन था, लिखाई का जो काम था वो खुशन बीसी करने वाले लोग, बहुत ही अच्छे लेखक और खुश खत होते थे,
ठीक है ना, होते थे जो हाथ से बड़े सुंदर और अच्छे सुंदर अक्षर में सही सही बहुत ही कलात्मक लिखाई करते थे। ठीक है, और एक लंबे समय के बाद जो प्रिंट प्रिंट की जो सामग्री थी है ना, उसका सबसे बड़ा जो है प्रोड्यूसर जो था वो चीनी जो कौन बन गया, चीन बन गया है ना। वहाँ पर चीन जो था सबसे बड़ा राजतंत्र था, और सिविल जो सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन के नौकरशाही भी विशालकाय थी। तो चीनी जो राजतंत्र है इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद की किताबें छपवाता था, और 16 सेंचुरी में परीक्षा देने वाले की तादाद बढ़ी। फिर क्या हुआ, छपे किताबों की मात्रा भी उसकी अनुपात में बढ़ती गई। ठीक है, ऐसे 16 सेंचुरी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति में फलने फूलने लगा। छपाई के इस्तेमाल से जो तरीके थे उसमें भी अंतर आने लगा। अब जो प्रिंटिंग मटेरियल था उसमें जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे, व्यापारी और जो रोज़मर्रा के जो लोग थे, कारीगर, कारोबार को जानकारी लेने के लिए जो प्रिंटिंग मटेरियल का इस्तेमाल करने लगे, है ना। पढ़ना भी एक शकल क्या बोल गया, संकल्प भी बन गया। नए पाठक जो थे वो काल्पनिक किस्से, कविताएं लिखना, आत्मकथाएं लिखना, ये सब है ना पसंद करते थे, और वो सब लिखने लगे। अमीर महिलाएं जो थी है ना, लेडीज़ जो थी, उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया था, और कुछ ने तो अपना खुद का नाटक और काव्य भी छापे। ठीक है, तो इस प्रकार से जापान में ये जो है चीन में ये प्रिंटिंग बुक्स स्टार्ट हुई। उसके बाद जो है जापान में ये जो प्रिंट प्रिंट इन जापान है ना, ये वाला टॉपिक है जो प्रिंट जापान, इसमें क्या था, जो जो बुद्धिस्ट चाइना के थे है ना, चीनी बुद्धिस्ट जो बहुत थे, उसके 768 से 770 के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आ गए। चीनी के लोग कहाँ गए, जो चीनी बौद्ध थे वो जापान आ गए, और जापान की सबसे पुरानी 868 में छपी हुई पुस्तक डायमंड सूत्र है। इस पाठ के साथ साथ काट के खुदे चित्र हैं, है ना, ये आपके पास में दिख रहे हैं, यहाँ पे ये चित्र में है ना, ये क्या है, ये एक वो है पेज फ्रॉम द डायमंड है ना, डायमंड सूत्र में से लिए गए हैं। तो ये काट पर मतलब लकड़ी के उस पे तख्ते पर खुदे हुए चित्र हैं। तस्वीर अक्सर कपड़ों और ताश के पत्तों, कागज़ के नोटों पर बनाई जाती थी। तस्वीर कहाँ बनती थी, कपड़े पर या ताश के पत्तों पर या कागज़ के नोटों पर बनाई जाती थी। क्या चीज़ बनाई जाती थी, तस्वीर थे, फोटोज़ है ना। और जो जापान में कवि भी क्या करते थे, छपते थे, और गद्यकार भी, जो मध्यकाल में जापान में जो कवि थे वे भी छापते थे, है ना। किताबें सस्ती और सुगम भी थी उस समय, बहुत जल्दी मिल जाती थी। 18 सेंचुरी के अंत में के ना कब के बाद में, और एतो एतो है ना, उसके शहरी इलाके की चित्रकारी में शामिल शहरी जो कल्चर था उसका का पता मिलता है ना। इस पैराग्राफ में हम देखेंगे तो ये हमें मिलता है। फिर क्या था कि जो हम अगर जिसमें हम जो चाय घर है उसके मजमों, कलाकार आर्टिस्ट जो है वो है ना, उनको देख सकते हैं। हाथ से जो पेंटिंग है, तरह तरह की सामग्री, महिलाएं, लेडीज, संगीत है ना, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, बहुत सारी चीज़ों पर ये पुस्तकालय एवं दुकानें अटकी पड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अलग अलग टाइप के ये चित्र बने हुए हैं है ना। इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, त्रिपिटिका कोरियाना। और ये क्या है, चित्र नंबर 3 पे हम देखेंगे, यहाँ पर ये है चिताकावा
उतामारो की एक उक्ति की रचना, ठीक है। प्रिंस कम्स टू यूरोप, है ना। अब प्रिंस जो थे वो यूरोप में आना शुरू हुए। तो बहुत पहले के समय की बात है, चीन से जब रेशम और मसाले, रेशम जो था, मसाले और जो रेशम था वो यूरोप आते थे, और 11th सेंचुरी में चीनी कागज़ भी उसी रास्ते वहाँ पहुँचा। कहाँ पर? यूरोप में। कागज़ में जो कातिबों और जो मुंशियों द्वारा, है ना, उनके द्वारा सावधानी पूर्वक लिखी गई जो पांडुलिपि थी उसके उत्पादन को मुमकिन बनाया, ठीक है। किसने बनाया? जो पांडुलिखियों लिपि जो थी उसके उत्पादन को मुमकिन बनाया। फिर 1295 सेंचुरी में जो मार्को पोलो नाम महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौट गए। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, चीन के पास जो है वुड ब्लॉक, जो लकड़ी की तख्ती थी, वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। जो मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था, जो तख्ती थी, है ना, जो इतालवी की जो तख्ती ही, उसकी छपाई से किताबें निकालने लगे, और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में भी फैल गई। जो प्रिंट किताबों को सस्ती और अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और जो भिक्षुक थे उनकी छपी किताबों को विलासी संस्करण अभी भी जो है वेलन यह चर्म पत्र पर भी छापते हैं। व्यापारी जो होते हैं और जो विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, सस्ती प्रिंटेड बुक्स खरीदते थे। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप में पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों से निर्यात करने लगे, बाहर भेजने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तकें जो फेयर्स होते हैं, मेले होते हैं, वो लगने लगे। पुस्तकों की मांग बढ़ने लगी और उसका जो डिमांड थी, है ना, वो डिमांड बढ़ने लगी, और उससे क्या हुआ, जो सप्लाई थी वो कम होने लगी। और आप जो मांग की पूरा करने के लिए हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचने में आए। अब जो अमीर लोग थे वो यहाँ के जो सुलेख या जो कातिबे नहीं पाए जाते थे, बल्कि जो बुक सेलर थे वो भी उन्हें रोज़गार देने लगे। आमतौर पर एक जो विक्रेता है, सेलर है, वो यहाँ 50 जो कातिब काम करते। गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस जो थी, जो गुटेनबर्ग के जो पिता थे वो एक कौन थे, वो एक मर्चेंट थे। वह खेती का एक बड़ी जो रिसायत थी उसमें बड़े हुए थे। वह बचपन से ही तेल और जो जैतून होता है ना, उसकी मशीनें, प्रेस जो होती है, उसको देखा करते थे। बाद में उसने एक पत्थर की पर पॉलिश करने की कला सीखी, पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीख ली। फिर सुनहरी और अंत में उसने शीशे को इच्छित अपने मन से आकृति में गढ़ने का जो महारत था वो हासिल कर लिया था। अपने ज्ञान और जो अनुभव था उसका इस्तेमाल कर उसने अपने कई आविष्कार भी किए। जैतून जो प्रेस की जो प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना, और सांचे का उपयोग अक्षरों की जो इमेज थी उसको गढ़ने के लिए किया गया। और जो गुटेनबर्ग ने 1448 में, है ना, 1448 तक अपना यह जो ये काम था वो उसको कामयाब कर लिया था, है ना, ये यंत्र जो था उसको मुकम्मल कर लिया था। उसने पहली किताब छापी और वो थी बाइबल। करीबन 180 प्रतियां बना के, कॉपीज़ बनाने के बाद 180 कॉपीज़ बनाने में उसको 3 साल लग गए, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज़ था, है ना, उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा काफ़ी तेज काम कर रहा था। पर यह जो नई टेक्नोलॉजी थी, है ना,
हाथ से किताब छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई थी। करीब हंड्रेड्स ईयर के बीच में 1440 और 1550 के बीच यूरोप में ज़्यादातर जो देश थे उनमें जो प्रिंटिंग जो प्रेस थी है ना, प्रिंटिंग प्रेस, छापे खाने जिसको बोलते हैं, वो लग गए थे। जर्मनी में जो जर्मनी के प्रिंटर और जो प्रिंटर जो थे वो दूसरे देश में जाकर नए छापे खाने खुलवा, प्रिंटर जो थे वो दूसरी जगह जाकर ये प्रिंट जो फैक्ट्रीज है वो खोलने लग गए थे। छापने के लिए संख्या में जो छापे खाने थे, जो प्रिंट प्रेस थी उसकी संख्या में वृद्धि के साथ साथ जो बुक्स है उसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। 15 सेंचुरी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाज़ार में 2 करोड़ जो है किताबें आईं। यह संख्या 16 सदी से 20 करोड़ हो गई। हाथ की छपाई की जगह जो यांत्रिक मुद्राएं थी उसमें आने पर भी जो है वो प्रिंटिंग जो था वो उसके उसमें क्रांति संभव हुई। नेक्स्ट टॉपिक आता है द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स, है ना, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। जो प्रिंट है, प्रिंट रेवोल्यूशन क्या था, है ना, और जो प्रिंट जो है, इट वॉज नॉट जस्ट अ डेवलपमेंट, अ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स, इट्स ट्रांसफॉर्म्ड द लाइफ्स ऑफ पीपल, चेंजिंग देयर रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड विद इंस्टीट्यूशंस एंड द अथॉरिटीज, है ना। ये जो है प्रिंट जो छापे खाने थे उसका आविष्कार महज जो टेक्नोलॉजिक दृष्टि से बदलाव नहीं शुरू हुआ, पुस्तक जो बुक्स थे उसके प्रोडक्शन में एक नए तरीके से लोगों को ज़िंदगी बदल दी, है ना। इसकी बदौलत जो है सूचना और जो ज्ञान है, संस्थाएं और जो सत्ता है ने उनका रिश्ता ही बदल गया, ठीक है। और इससे क्या हुए, नए जो न्यू रीडिंग पब्लिक्स आई, जो प्रिंट प्रेस थे, प्रिंटिंग प्रेस थे, उसके आने से नया जो पाठक वर्ग था वो पैदा हुआ, मतलब जो बुक्स पढ़ने वाले लोग थे वो आए सामने। छपाई से किताबों की कीमत गिरी, छपाई होने लगे, प्रिंट होने लगे तो उसकी किताबों की कीमत गिर गई। कीमत को हर जो किताब की उसकी हर प्रति, हर कॉपी के प्रोडक्शन में जो भी वक्त और लेबर लगता था वह कम हो गया और बड़ी तादाद में जो कॉपीज़ है वो छपना, प्रेस में छापना बहुत आसान हो गया। बाज़ार जो था वो किताबों से भर गया, जो रीडर्स थे वो भी बहुत सारे हो गए, ठीक है। इसके बाद इसी के अंदर आता है कि जो धार्मिक विवाद थे, है ना, धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। क्या डर था, धार्मिक जो रिलीजन्स डिबेट्स थे एंड द फेयर ऑफ प्रिंट्स, जो प्रिंट्स प्रेस थी, है ना, उसके विचारों से जो प्रचार और प्रसार और बहस हो रही थी उसके द्वार और भी खुल गए, और जो सत्ता थी वहाँ उस सत्ता के विचार से सहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छपाकर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए जो संदेश थे, है ना, उसके जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन पर कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व था, ठीक है ना। लेकिन हर कोई इस प्रकार की जो किताब थी उसको खुलवाकर लिखवाकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया उनके मन में इसको लेकर कहीं कोई डर था। कई लोगों की छपी किताब में व्यापक उसके प्रचार और छपे शब्द बहुत ही सुगमता को लेकर यह आकांक्षा थी कि ना जाने इसका आम लोगों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। बेहतर कि अगर छपे हुए और पढ़े जाए, छपे जो है वो छापे और पढ़े जाएँ तो क्या होगा, कोई नियंत्रण ना होगा तो लोगों में बागी और जो अधार्मिक विचार पर अपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो
जो साहित्य है, लिटरेचर है, जो बहुत ही मूल्यवान है ना, सत्ता से ही नष्ट हो जाएगी। जो धर्म गुरुओं और जो सम्राट लोग हैं उनके कई लेखनों और जो कलाकार द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से था इसका। उसके बाद जो ये प्रिंट्स थे उसका जो है विरोध भी हुआ, है ना। द नाइनटीन सेंचुरी में जो है यूरोप था उसके जो लोग थे साक्षरता जो पढ़े लिखे थे उसकी दिशा में लंबी लंबी छलांगे लगाने लगे, और जिनके जिसके बूते पर जो महिलाएं थीं और जो बच्चे थे उनके रूप में बड़ी मात्रा में नए लोग जो है पढ़ने वाले तैयार हो गए, है ना, नए रीडर्स जो है वो तैयार हो गए। बच्चे, महिलाएं और मजदूर, चिल्ड्रन, वुमेंस एंड वर्कर, ये जो थे 19th century थी उसमें आखिरकार जो प्राइमरी एजुकेशन थी ना उसके अनिवार्य होने के चलते कंपल्सरी हो गई थी, तो उसमें बच्चे और जो पढ़ने वाले थे रीडर्स थे उसकी एक अहम श्रेणी बन गई। जो उद्योग थे, इंडस्ट्री थी प्रकाशन उद्योग के लिए, जो पाठ्य पुस्तकों का प्रोडक्शन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 में सिर्फ जो है जो बच्चों की पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस स्थापित की गई। इस प्रेस में पुराने और नई दोनों तरह की जो परी कथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया। इसमें परी है ना, परी जो परी लोक से आती है वो वाली कथाएं इसमें लिखी गई। जर्मनी में जो ग्रीम बंधु थे उन्होंने किसानों के बीच लोक कथाएं जमा दी। अनेक उनके द्वारा एकत्रित जो मटेरियल था उसका संपादन हुआ। फिर कहानियों का को अनंत 1812 में एक संकलन में छापा गया। बच्चों के लिए अनुपयुक्त जो सामग्री या जो चीज़ें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थी उसके प्रकाशन संस्करण में शामिल नहीं किया जा सकता था। इस तरह पुरानी ग्रामीण जो लोक कथाएँ थीं उनको नया रूप मिला। छपने से वे दर्ज हुए और इस प्रक्रिया में बदलाव भी आया। ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, भारत में जो है भारत का जो प्रिंट वर्ल्ड है ना। अब क्या हुआ कि जो प्रिंट युग था उससे पहले भी हमारे यहाँ पर पांडु लिपियाँ जो थी वो थी। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हाथ से लिखी हुई पांडु लिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या फिर हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। ठीक है, कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीर भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से जो तख्तियाँ थी उसको कवर या फिर सिलकर बांध दिया जाता था। 19th century के अंत तक जो छपाई थी उसके आने के बाद छपाई के आने के बाद जो पांडुलिपियाँ छापी जाती थी। ठीक है, लेकिन जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं पांडुलिपियाँ नाजुक होती थी, है ना, बहुत नाजुक होती है, काफ़ी महंगी भी होती हैं। एक तो इन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरा क्या होता था जो ये लिपि है ना, बहुत ध्यान से उनको पकड़ना पड़ता था, और दूसरा इन लिपियों को अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी इतना आसान नहीं था। इसीलिए उनका जो है व्यापक रूप बढ़ाने के लिए दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था, है ना, उसको रोज़ इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि जो पहले के जो बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में उसको प्राथमिक जो प्राइमरी स्कूल्स है उसका बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त के से किताबें सुनाते थे, है ना, किताब के से सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन गए। ठीक है,
भारत छपाई जो है वो भारत कैसे आई, प्रिंट्स कम इन इंडिया, किस प्रकार से जो प्रिंट्स थे वो भारत में आए। ठीक है, जो प्रिंटिंग प्रेस थी फर्स्ट केम टू गोवा विद द पुर्तगालीज मिशन, है ना। जो प्रिंटिंग प्रेस पहले जो है 16 सेंचुरी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारक के साथ में आई थी। और जेसुटाइट जो पुजारी थे, है ना, उनके कोंकणी सीखी, भाषा सीखी और कई सारी पुस्तकें उन्होंने छापी। 1674 में जो कोंकणी और जो कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताब छप चुकी थी। कैथलिक पुजारी ने 1579 में कोचिन की पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहले मलयालम किताब छापने वाले थे। और डच, है ना, जो डच है उनके जो जो डच के जो धर्म प्रचारक है उन्होंने 32 जो बुक्स है वो तमिल पुस्तकें छापी। इनमें से कई पुरानी किताबों का भी ट्रांसलेशन था। अंग्रेजी इंग्लिश भाषा जो थी प्रेस भारत में थोड़ी देर तक विकास नहीं कर पाया, काफ़ी देर तक विकास नहीं कर काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था, डेवलप नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी के 16 सेंचुरी के अंत तक जो प्रेस है उसका जो है वो आ चुका था। ठीक है, बाद में प्रकाशन के लिए नए रूप भी आने, है ना, प्रकाशन के नए रूप आने लगे, द न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन शुरू हो गए। छापे खाने जो प्रिंटिंग थी, प्रिंटिंग में नए तरह के जो लिखने के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, जो प्रिंट हुए पन्नों में अपनी ज़िंदगी, अपने तजुर्बे, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बनती गई। यूरोप में जो विकसित उपन्यास थे, लिटरेचर थे नामक ये जो है साहित्यिक विधा इन जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम थी। जल्दी ही इनने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और जो है वो शैली अपना ली। अपने रीडर्स को इनके अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की जो विभिन्नता उसका बोध करवा दिया। दूसरी तरफ क्या हुआ, जो लिटरेचर विधाएं थी जैसे गीत, कहानियाँ, है ना, सामाजिक, सोशल और पॉलिटिकल्स मामले पर लेख, है ना, ये सब जो रीडर्स हैं उन रीडर्स की दुनिया का हिस्सा बन गए। अपने अलग अलग तेवरों में इन्हें इंसानी जिंदगी और अंतरंग भावनाएं और उन सोशल और पॉलिटिकल नियमों पर बल दिया जिनसे उनका स्वरूप तय होता था। 19th सेंचुरी के अंत तक एक नई तरह के दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। जो प्रिंटिंग प्रेस है उसमें बढ़ती तादाद के लोग कई नकलें और जो कॉपियाँ हैं अब बहुत बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। राजा रवि वर्मा जैसे जो चित्रकार थे उन्होंने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। जो काट लकड़ी की जो तख्ती थी उस पर चित्र बनाने वाले जो गरीब दस्तकार थे उन्होंने लेटर प्रेस छापे खाने में करीब अपनी दुकानें लगाई और प्रिंटर्स से काम पाने लगे। बाज़ार में आसानी से सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीद कर गरीब भी अपने घरों एवं दफ्तरों में सजाया करते थे। इन छपी तस्वीरों के में आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीतिक, पॉलिटिकल और सोशल और जो संस्कृति कल्चर है उसके लोकप्रिय विचार लोग में गड़ा हुआ था, जैसे आपको एक चित्र में भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना, इस प्रकार के जो है कैलेंडर्स बनाए गए। तो ये बच्चे था आपका किस प्रकार से जो है जो प्रिंट है वो किस प्रकार से शुरू हुआ और हमारे भारत में किस प्रकार से आया।